मैं डॉक्टर गणेश निनामा सहाचार्य हिंदी सेकेंड ईयर के प्रथम पेपर के प्रथम कवि केशवदास के बारे में। केशव ने रामचरितमानस की प्रतिस्पर्धा में लिखा रामचंद्र का जो काव्य है उसके महत्वपूर्ण अंश जो है अंगद रावण संवाद, उसको आज हम देखते हैं कि किस तरह से अंगद रावण को समझाने जाते हैं और कहते हैं कि तुम राम की शरण में आ जाओ और राम की अमानत तुम उनको ससम्मान लौटा दो और इस युद्ध को तुम टाल लो और अपना धन संपदा और राज्य को सुरक्षित रख लो, राम तुम्हें माफ़ कर देंगे। ये संदेश लेकर जब अंगद जाते हैं तब रावण अपने जिद पर और अपने दंभ पर उनको क्या कहते हैं, ये सारा संवाद इस अंश में आएगा। हम देखते हैं कि अंगद जा कर के अचानक जाते हैं अंगद। अंगद कूदी गए जहां आसन गत लंकेश, मधु मनु मधुकर करहाट पर शोभित श्यामल वेश। अब अंगद अचानक रावण की सभा के बीच में कूद करके चले जाते हैं जहां पर लंकेश, लंका का जो अधिपति है रावण, जहां उसके आसन पर विराजमान है, उनके पास में अचानक अंगद कूद करके चले जाते हैं और ऐसा लगता है जैसे वहां किसी श्यामल वेशधारी रावण का भंवरे की तरह शोभित हो रहा है। अचानक अंगद के कूदने पर वहां जो प्रतिहार हैं, रक्षक हैं, उन्होंने अंगद को रोकने का प्रयास किया और अंगद जाकर वहां देखते हैं कि किस तरह से उस प्रतिहार का व्यवहार कैसा है कि पड़ो बिरंची मौन वेद जीव सोर छांडी रे, कुबेर बेर के कही न जक्ष भीर मंडी रे, दिनेश जाए दूर बैठी नारदादि संग ही, न बोली चंद मंद बुद्धि इंद्र की सभा नहीं। जब अंगद रावण की सभा में अचानक पहुंच जाते हैं तब वहां का वातावरण, वहां के जो चौकीदार हैं, प्रतिहार हैं, रक्षक हैं, वे वहां सारे देवी देवताओं को बंदी बना करके धमकाते हुए कहते हैं कि हे ब्रह्मा, तुम अपने वेदों को मौन रूप से ही पढ़ो। जोर जोर से यहाँ पढ़ने की अनुमति रावण के सभा में नहीं दी जाती है और सभी तरह का जो बृहस्पति से भी कहते हैं तुम भी यहाँ पर शोर मत करो और कुबेर को भी धमकाते हुए वह कहता है कि मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि तुम यहाँ पर तुम्हारे इन याचकों की भीड़ मत लगाओ। और वो कहते हैं कि सूर्य भी, नारद आदि जो देवी देवता बैठे वहां जाकर के अपने रोशनी को खो करके चुपचाप सूर्य भी बैठा हुआ है और चंद्रमा को कहता है, हे चंद्रमा, तेरे अंदर तो बुद्धि ही नहीं है और तू बिल्कुल भी बात मत कर और तू चुप ही रहे तो ठीक रहेगा, क्योंकि यह कोई इंद्र की सभा नहीं है जिसमें तुम जो कुछ चाहो बोलो, यह लंकेश की सभा है, लंका अधिपति रावण की सभा है, इसलिए सभी लोग चुप रहो नहीं तो मैं दंडित करूंगा। इस तरह से वह प्रतिहार उनको धमकाते हैं और यह सारा देख करके अंगद को अत्यधिक क्रोध आ जाता है और अंगद कहता है, अंगद यूं सुनी बानी चित्त महारिस आनी, ठेली के लोग अनेस जाई सभा में बैसे। सभा में यह सारा दृश्य देखने के बाद अंगद उन लोगों को, उन असुरों को ठेलते हुए इस तरह की उस लोगों को, देवताओं को बंदी बना करके उनको प्रताड़ित करते हुए देखकर अत्यधिक क्रोधित होकर के अंगद को क्रोध आ गया और उसने इन सारे राक्षसों को ठेलते हुए उनकी सभा के बीचों बीच में जाके खड़े हो जाते हैं। और जैसे ही अचानक किसी अनजान व्यक्ति के, अजनबी के सभा के बीच में आने पर उनसे प्रश्न पूछा जाता है
रावण पूछता है कि मेरी सभा में आने वाला ऐसा कौन दुस्साहसी है, तो वह पूछने लगते हैं रावण कि कौन हो, पठे सो कौन ही, यहाँ तुम्हें यह काम। जाति वानर लंक नायक दूत अंगद नाम है, कौन है वह बांधी के हम देह पूछ सबे दही, लंक जारी संघारी अक्षय गयो सो बात वृथा कही। जब अंगद से पूछा जाता है कि तुम कौन हो और तुमको यहाँ पर किसने भेजा है और किस काम के लिए आए हो, तब अंगद कहते हैं मैं वानर जाति का हूँ और लंका नायक विभीषण का दूत हूँ और मेरा नाम अंगद है। तो कौन है वह बांधी के हम देह पूछ सबे दही, कौन सी वानर जाति, एक बंदर पहले भी यहाँ आया था हनुमान जिसकी पूंछ में हमने आग लगा कर उसको जला दिया था, वही हो क्या, उसी जाति के हो। इतना कहते ही अंगद का स्वाभिमान जाग जाता है और अंगद कहता है कि आप बेकार की बातें कह रहे हैं, तुमने हनुमान को नहीं जलाया, हनुमान ने बल्कि तुम्हारी सारे लंका को जला दी और तुम्हारे पुत्र अक्षय कुमार का भी संहार करके चला गया। लंक जारी संहारी अक्षय गयो सो बात वृथा कही, आप बेकार की बात कर रहे हो, सब कुछ आपका ही नुकसान हुआ था, मैं उसी जाति से हूँ। इस तरह से अंगद रावण को जवाब देता है। धन्यवाद।